हेलो अभिमन, अभी तक हमारी 5 हो चुकी हैं पंचवर्षीय योजना, और उसमें जो है योजना अवकाश और अनवरत योजना भी हो चुकी है। लगभग ईयर जो हो चुके हैं हमारे 1980 तक, आपके पंचवर्षीय योजना के ईयर समाप्त हो चुके हैं। अब 1980 से हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी में, बिना टाइम गवाए। तो आपकी जो है अब जो आएगी सिक्स पंचवर्षीय योजना, मतलब कि 5 ईयर, 6 5 ईयर पॉलिसी 1980 से, ये आपकी जो चली 1985 तक, 6 5 ईयर पॉलिसी, 6 5 ईयर पॉलिसी। 5 5 ईयर पॉलिसी में जो भी बातें थी मैंने आपको एक एक डिटेल में बताई है पिछले लेक्चर में, आपको प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो IAS में भी आए हैं, छोटे एग्ज़ाम में भी आए हैं, जो पिछली मैंने आपको बताई हैं वीडियोस, अभी भी वही सिलसिला मैं आगे कर रहा हूँ। तो जैसे कि हर योजना का, जब 80 में आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार बन चुकी थी, मोरारजी देसाई की गिर चुकी थी, पिछले लेक्चर में सब बातें बताई हैं। अब जो है जैसे इंदिरा गांधी की सरकार 80 में बनी, तो इन्होंने फिर कुछ अपना एक योजना बनाई, और जो है उसका मुख्य उद्देश्य रखा, हर योजना का एक उद्देश्य रहा है, पहली का कृषि रहा है, दूसरे का उद्योग रहा है, तीसरे का कृषि और उद्योग दोनों रहा है, फिर हमारा गरीबी भी रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहा है, कि हर किसी आपका पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य रहा है मुख्य, इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि आपका गरीबी उन्मूलन था, इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया गरीबी निवारण, क्योंकि गरीबी खत्म तो हुई नहीं थी, तो मुख्य उद्देश्य रखा गरीबी निवारण एवं रोजगार रोजगार सृजन पर बल दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरीबी उन्मूलन भी है, गरीबी उन्मूलन जो है आपके इससे पिछली वाली पंचवर्षीय योजना में रहा है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया, इस योजना का उद्देश्य जो था मुख्य उद्देश्य। बाकी तो आपको पता है आगे जो है राष्ट्रीय आय, उत्पादन, समाज या समाजवादी समाज, ये सारी बातें तो आपको ध्यान रखनी है, इस तरह की बातें तो कही जाएंगी कि राष्ट्रीय आय ज़्यादा हो, उत्पादन बहुत हो देश में, समाज रहे समान रहे, इस तरह की बातें तो नॉर्मल है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक मेन जो उद्देश्य रहता था, मोटिव जिससे पूरी 5 ईयर पॉलिसी दिखती थी, वो आपका एक नाम अलग से रखते थे, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन, या फिर कृषि पर आधारित, या फिर उद्योगों पर आधारित, वो सब मैंने आपको बताई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण, इसी को हम सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें और भी बहुत मुख्य बातें हैं, ये पूछा जा सकता है, और अगली बातें जो है वो पूछी जा सकती है। जैसे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड, नाबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की, विकास बैंक की स्थापना हुई 1982 में, नाबार्ड की स्थापना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो आपको नाबार्ड की स्थापना ही बता देनी है। तो नाबार्ड का जो काम था वही गरीब लोगों को क्या देना था, गरीब लोगों को, किसानों को या कृषकों को क्या देना था, गरीब किसानों को कृषकों को लोन देना था, ऋण देना था। तो ये बहुत अच्छा काम किया था इस नाबार्ड ने, इसलिए आप लोग भी जानते होंगे इसको, नाबार्ड को बहुत अच्छा कार्य रहा है नाबार्ड का उस टाइम पर, गरीबों को कृषकों को ऋण देना था, लोन देना था। जैसे कि आपको 19 जुलाई 1969 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसी तरीके से आपका 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 और बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस तरीके से टोटल कितने हो गए थे, 20 हो गए थे। इसी में आपका जो है इसी के तहत एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, इसी नाबार्ड के साथ ही एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। एक्जिम को अगर एक्स को देखोगे और IM को देखेंगे तो दोनों अलग चीज़ है, एक्स EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट और IM का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो इसका मतलब यह है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कार्यों में जो लगे हुए व्यक्ति थे, तो एक्जिम बैंक क्या करता था, उनको सहायता देता था, उनको क्या देता था, सहायता देता था। सहायता कैसे, उनको ऋण देता था, जैसे कि वो अपना निर्यात का काम लगातार करते रहे, क्योंकि निर्यात होने से देश में जो है फॉरेन करेंसी आती है,
ठीक है, और आयात होने से क्या है, हमारा जो है करेंसी जाती है, ठीक है, उसमें भी क्या है, हमारी कौन सी करेंसी जाएगी आयात होने में भी, हमारा रुपया नहीं लेंगे वो उनकी अपनी करेंसी चाहिए, अगर अमेरिका से कहेंगे तो हमें उन्हें डॉलर देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो इसलिए जो है एग्जिम बैंक जो है, जो हमारे इस कार्य से जुड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्य से, तो उनको अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उनको सहायता देता था एग्जिम बैंक, तो वो इसी टाइम पर ओपन हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है गरीबी निवारण इसका एक उद्देश्य रखा गया था, गरीबी निवारण इसका उद्देश्य रखा गया था, तो गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने के कार्यक्रम, गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने के कार्यक्रम इस टाइम पर स्टार्ट किए गए थे, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका स्टार्ट किया गया था आईआरडीपी इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से आपका NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसी तरीके से आपका ट्राइसेम, ये भी क्या है, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कार्यक्रम था। ट्राइसेम का मतलब क्या है, ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल फॉर यूथ सेल्फ, फॉर लिख लेना इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो, ट्रेनिंग रूरल फॉर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगला आपका क्या है, अगला RLEGP, तो RLGP का मतलब वही रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी, इसमें आपसे ध्यान रखना गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए 1980 से 1985 में कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, तो IRDP, NREP, ट्राइसेम, RLEGP। IRDP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडियन रूरल प्रोग्राम आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP की पूछी जा सकती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर ट्राइसेम की पूछ सकते हैं ट्रेनिंग रूरल आपका फॉर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड आपसे RLEGP की पूछ सकते हैं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ध्यान रखना। और इसमें सिक्स पंचवर्षीय योजना में ये भी ध्यान रखना कि इसमें नवार्ड की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास योजना, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है रूरल डेवलपमेंट बैंक, और ये क्या करता था, गरीबों और कृषकों को क्या देता था, लोन देता था, जो बहुत अच्छा सिद्ध भी हुआ, इसने बहुत लोगों की मदद की, और उस टाइम पे गरीब जो है थोड़ा मध्यम वर्ग में भी आए, मतलब उन्होंने थोड़ा सा रोजगार भी हासिल किया और कार्य भी किए, थोड़ी समृद्धि भी आई देश में। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसी टाइम पर जब स्टार्ट हुई 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया, इस तरीके से 20 राष्ट्रीयकरण हो चुके थे। एग्जिम बैंक की स्थापना भी आपकी इसी टाइम पर हुई, एग्जिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से लोग जुड़े हुए थे, उनकी सहायता करना था। इसको बनाइए जल्दी, अगला क्या है आपकी 6 के बाद आएगी 7वीं, इसका भी उद्देश्य होगा एक, वही उद्देश्य, वही मैं कह रहा हूँ आपसे, फिर वही सेम समृद्धि, आपका आधुनिकीकरण मतलब कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और समाजवादी न्याय या फिर सामाजिक न्याय,
यही दो चार बातें, आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है समाज का, समृद्धि लानी है, ये मुख्य उद्देश्य थे कौन सी योजना के, सातवीं पंचवर्षीय योजना के। इसकी डेट बढ़ा के कर देना आप 85 से 90 कर देना, क्योंकि अगली पंचवर्षीय योजना थी तो अगले 5 साल के लिए होगी ये। समृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय, इस तरह की बातें इसमें कही गई। इसमें और भी कुछ खास बात थी, इसमें जो है 1988 में सेबी की स्थापना की गई। सेबी एक संस्था थी जो है, सेबी जो संस्था थी वो एक ऊपर से देखने वाली संस्था थी। ऊपर से देखने का मतलब जो हमारे देश में शेयर बाजार जो चलता था, शेयर मार्केट जो चलती थी, उनका किस तरीके से कार्य हो रहा है, कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा, कोई जो है डिफॉल्टर तो नहीं है, या फिर कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में गलत जो है उसको फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, जो नेट जो 50 है, जो सेंसेक्स है, कुल मिला के सेबी जो है ध्यान रखती थी कि जो व्यापार चल रहा है, जो शेयर वगैरह आदान प्रदान हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो सेबी जो संस्था स्थापित की थी 1988 में, और जो हमारे यहाँ पर डाक विभाग था, डाक विभाग में जो है स्पीड पोस्ट की स्थापना आई थी, या स्पीड पोस्ट आपका पहले जो था सिंपल पोस्ट होता था तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन डाक विभाग जो था हमारे यहाँ पर 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर क्या हुआ, 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर स्पीच पोस्ट आपका मिल गया। स्पीच पोस्ट का मतलब जो चीज़ एकदम से पोस्ट हो जाए स्पीच पोस्ट के साथ, समझ रहे हो आप। तो इसमें जो है बहुत सारी और भी चीज़ें स्टार्ट की गई, जैसे इंदिरा आवास योजना एक स्टार्ट की गई, इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की गई। इसमें जो है आपका नेहरू रोज़गार योजना स्टार्ट की गई, इसमें आपका नेहरू रोज़गार योजना स्टार्ट की गई, इसमें आपका और साथ ही जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। ध्यान रखना है सारी बातें, उद्देश्य था इसका ये सब। 1988 में सेबी की स्थापना की गई, डाक विभाग जो है आपका 1986 में, इसमें स्पीच पोस्ट आया पहली बार, इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की गई, मतलब कि सबको आवास दिए जाएंगे इस योजना के तहत, रोजगार दिया जाएगा, नेहरू रोजगार योजना, ये 1989 में स्टार्ट की गई थी, और ये आपका 1986 में, इतना सन मैटर नहीं करेगा लेकिन ध्यान रखना कौन से टाइम पर थे। इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये सारी योजनाएं आपकी स्थापित की गई थी। और इसमें खास बात ये थी, इस सातवीं पंचवर्षीय योजना को राजकृष्ण नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस सातवीं पंचवर्षीय योजना को जो है हिंदू वृद्धि दर कहा था। अब हिंदू वृद्धि दर का मतलब क्या है, आपका चाहे वो 51 से 60 हो, 71 से 80 हो, या फिर 61 से 60 70 का दशक हो, मतलब कि 60 का दशक हो या 70 का दशक हो या 80 का दशक हो, उस टाइम पर जो है 60 70 80 के दशक में जो अभी तक जो देश में हमारी इकोनॉमिक का जो ग्रोथ हुआ था, इकोनॉमी जो ग्रोथ हुई थी वो 3.5% के लगभग थी। कितने? 3.5% के लगभग थी। 60 के दशक में, 70 के दशक में और 80 के दशक में 3.5% की ग्रोथ रेट थी, तो उसे हिंदू वृद्धि दर कहा था। जो अभी तक 1980 तक जितनी भी ग्रोथ हुई थी उसे हिंदू दर वृद्धि दर कहा था। और इसी के बाद जब राजीव गांधी के टाइम पर ये सातवीं पंचवर्षीय योजना आई, और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये कार्यक्रम किए गए, और उसके बाद भी लगभग वही ग्रोथ हासिल हुई, तो उसकी कंपेरिजन हमने किससे कर दी, हिंदू ग्रोथ रेट से कर दी या हिंदू वृद्धि दर से कर दी, जो 60 70 80 के दशक में थी। हिंदू वृद्धि दर क्या है? हिंदू वृद्धि दर वो दर है, इसमें कुछ लोगों ने ये बात कही है कि जो हिंदू लोग हैं वो भाग्यवान बहुत हैं। भाग्यवान का मतलब भाग्य पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, भाग्य पर डिपेंड रहने की वजह से जो है वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो ठीक है विश्वास भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जब भाग्य पर विश्वास करते हैं तो करने में कुछ कम विश्वास करते हैं कि भाग्य जो है लिखा है वो सब हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हमारी 60 70 80 के दशक में जो है इकोनॉमी ज़्यादा ऊपर बूस्ट नहीं कर पाई थी, तो उसको जो है हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं कि हिंदू की वजह से जो है। हालांकि इस पर बात विरोध भी हुआ, विवाद भी हुआ इस पर बहुत ज़्यादा कि ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इस तरीके से जब इस तरीके की बात बोली कि हिंदू जो है, हिंदू लोग जो होते हैं बहुत भाग्यवाद होते हैं कि भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें, तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। तो इसलिए इसमें भी ऐसी एक तरह की विकास हुआ तो उसको भी क्या बोल दिया, हिंदू ग्रोथ रेट बोल दिया, या हिंदू वृद्धि दर बोल दिया। इसको बनाओ जल्दी।
आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है क्वेश्चन आया हुआ है, जॉन डब्लू मथाई मॉडल, जॉन डब्लू मथाई मॉडल था ये, इसको ध्यान रखना कि आठवीं जो है पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो जॉन डब्लू मॉडल पर आपकी ये आधारित थी। और इसमें जो बात की गई थी मानव संसाधन, इसका जो उद्देश्य रखा गया था मानव संसाधन का विकास का उद्देश्य रखा गया था इसमें। और इसी के टाइम पीरियड पे आपका एक जनवरी 1995 में भारत जो है WTO का सदस्य बना था। WTO का मतलब यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। क्या बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत जो है सदस्य बना था। एक बार और ध्यान रखना, जॉन डब्लू मॉडल पर आधारित थी ये, उद्देश्य इसका जो रखा गया था मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का मतलब जो भारत में मानव जो है वो एक संसाधन है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। जो लोग जो है काम करते हैं लेकिन ज़्यादा उनके पास कौशल नहीं है, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कौशल देके उनको संसाधन बनाना है, रिसोर्सेज बनाना है, फिर उसको देश के लिए यूज़ करना है। तो मानव संसाधन का विकास और 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो है सदस्य बना। किसका? WTO का सदस्य बना 1 जनवरी 1985 को। और 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका IAS में आया हुआ है, इसको बनाओ जल्दी, ठीक है। इसका जॉन डब्ल्यू ना मोलर कर लेना, इसका मोलर है जॉन डब्ल्यू मोलर मॉडल। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना आपको फिर एक बार देख लेना है, जब जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था इसका, और 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। तो आपकी कितनी हो चुकी है अभी? 8 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। जो बची है वो अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा, आज के लिए इतना रखते हैं। और इसको प्लीज़ बार बार देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा भूलते हैं, जितना पढ़ोगे इतना भूलेंगे अगर नोट्स आपके अच्छे से नहीं बनेंगे। बहुत बार दिमाग से रिप्लेस हो जाती हैं चीज़ें, और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन इसका, अगर इकोनॉमिक्स से आएगा तो, इसलिए इसको तैयार रखना। आप बार बार भूलेंगे, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो भूलेंगे तो देख लेंगे तो एकदम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।